पता नहीं लड़कियों को कैमरा से क्या दिक्कत है, देख लीजिए ये मानने आ रही है हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक संजय प्रिया न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 11 और मैं आ चुका हूँ डायरेक्ट अपने ऑफिस। सो आज ये मैं बड़े दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे बार बार तंग कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, कुछ तो बनाओ, कुछ तो डालो। सो मैं उनको बोला भी कि यार आज के डेट में फ़िलहाल मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। सो आज बड़े दिन के बाद मेरे दोस्तों यारों और मेरे भाइयों मेरे सब्सक्राइबर के कहने पर आज ये मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस। तो ऑफिस का कुछ कुछ काम है पेंडिंग, सो मैं वो काम कर लेता हूँ और आज का जो दिन रहेगा वो काफ़ी बिजी दिन रहेगा। मैं आपको घर जाके आपको बताऊँगा कि मैं बिजी कहाँ हूँ, क्यों है ना। तो चलते हैं, पहले हम बहुत सारा फाइल निकाल कर रखा हूँ, सबका अपडेट कर दूँ, तो उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ घर जाके। तो दोस्तों मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि ये देखिए कितना बड़ा रजिस्टर है और मुझे 2020 का रिकॉर्ड निकालना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा अपना बिलिंग के लिए थोड़ा सा अटका हुआ है। तो वो निकालते निकालते खोजते उससे दिमाग ख़राब हो गया है। इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा बनना है दिमाग ख़राब हो जा रहा है। कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। लगभग हो रहा है और मैं आके देख सकते हैं गैस में खाना चढ़ाया हूँ, खाऊंगा, आराम करूँगा क्योंकि आज के डेट में काम इतना है कि मैं बोल नहीं सकता। सो ये है मेरा कंडीशन, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, कुछ नहीं बना पा रहा था। सो आप लोग मेरा कंडीशन देख ही सकते हैं, सुबह से ये निकला हूँ 8 बजे करीबन और ये 2-3 लोगों ने मुझसे पूछ भी लिया कि भाई तेरे को इतना ठंडी लग रहा है गर्मी में, मतलब धूप में। सो मैं क्या बोलूँ उनको कि मैं कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा हूँ, है ना। सो अभी चढ़ चुका है मेरा खाना, खाना जैसे ही बनता है मैं खाता हूँ, बहुत कस के भूख भी लग रहा है। उसके बाद आपको मैं और भी दिखाता हूँ कि मैं और क्या क्या, जैसा कि मैं आ चुका हूँ सोनाली सरकार के घर और ये हमारे गंगा बहरा मिट्टू, बस ये फुकाते रहता है, कुछ बोलता नहीं है, वही डर कैसे रहा एकदम जैसे काटे लेगा। और ये आ गए हम सोनाली सरकार जो अपना को छुपा रही है, पता नहीं लड़की लोग को कैमरा वीडियो से क्या दिक्कत है, क्या पता नहीं लड़कियों को कैमरा से क्या दिक्कत है, देख लीजिए ये मानने आ रही है पता नहीं क्या दिक्कत है इनको, बिना मेकअप का, बिना मतलब सबने का इनको कैमरे के सामने नहीं आना है, है ना। कोई बात नहीं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि मैं आज के डेट में बहुत बिजी चल रहा हूँ और बिजी रहने का कारण जो है वो आप ये उमर शंकर हो चुका है, नहीं हुआ तो बिजी रहने के कारण ये देख सकते हैं मेरे गोद में इतना सारा कार्ड है और नीचे देख रहे हैं लिस्ट सबका बना हुआ है। सो
अगले महीना भाई का शादी है, सो उसी की तैयारी अभी चल रहा है। और मेरे बाप का नाम है। समय बिल्कुल नहीं बचा है, मतलब गिन के कुछ दिन बचा है, तो फिलहाल सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सो इधर दौड़ो उधर दौड़ो, प्लस सब काम देखो, और ये बंदर लोग तो पूछो मत, दिन रात परेशान करते रहते हैं, आवाज सुन सकते हैं छत ऊपर। सो यही सब करते करते बिल्कुल ही समय नहीं बन मिल रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊं कि क्या करूं। तो ये रहा मेरा शादी कार्ड, आपको उल्टा दिख रहा होगा। और ब्लॉग में जो मेरे मतलब सब्सक्राइबर लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, तो वो मेरा नाम जानते होंगे कि क्या है। और आप इसमें कार्ड में लिखा हुआ है पिंटू संग, बाकी आप नीचे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसका नाम है। सो कुछ दिन बाद होने वाला है, तो उसी का भी तैयारी चल रहा है, और गिन चुन के कुछ दिन बचा तो समझ नहीं आ रहा। मतलब पहले क्या था, सब काम तो हो ही चुका है, लेकिन जितना नज़दीक आते जा रहा है दिन, सो उतना लग रहा है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है कुछ भी। सो अभी भी बहुत काम पेंडिंग है, वो पेंडिंग जल्दी से जल्दी मैं कर ले रहा हूँ, ताकि मतलब जब डेट के करीब कोई इधर ना भागना पड़े उधर ना भाग, क्योंकि भाई करने वाला आपका भाई है। सो मैं कर रहा हूँ। सो अभी इतना कुछ हो गया है, इतना कार्ड अभी हो गया एंट्री, सो अभी कर रहा हूँ, तो फिलहाल बहुत थक गया हूँ।